आपका? सर आकाश मरी। आकाश कहाँ से आए हो? गोरखपुर, यूपी। गोरखपुर कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग सर केदारनाथ जा रहे थे, रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया, हम लोग वहीं फंस गए थे। आसपास कई लोग बह गए, फिर कई घोड़े वोड़े दब गए थे, फिर ये मेरा दोस्त था बह गया था, ये वह भी बह रहा था, पकड़ के बस निकाला गया कैसे कैसे। पत्थर इतने बड़े टुकड़े ऊपर से गिर रहे थे। फिर हम लोग गए वहाँ पे, कैसे कैसे टेंट लिया गया, रुका गया, चीज़ें महंगा हो गई थी वहाँ पे, फिर भी लिया गया, टेंट में रुका गया, रात भर उनको नींद नहीं आई। फिर हम लोग गए सुबह केदारनाथ, फिर वहाँ से बोला गया नीचे रेस्क्यू होगा, वहाँ नीचे फिर हम लोग गए, फिर नीचे से बोला गया सुबह वहाँ रेस्क्यू, फिर सुबह वहाँ पे गए, फिर सुबह बस एक ही चौपर आया जिसमें हम लोग बस आए हैं। बाकी कितने लोग थे? हम लोग पाँच लोग थे, पाँचों आ गए, लेकिन वहाँ पे लगभग 500 लोग फंसे हैं। पाँचों सुरक्षित हो गए? हाँ सर, पाँचों हम लोग सुरक्षित हैं, बस थोड़ा बहुत चोट वोट लगा था, बाकी सब सेफ है। ठीक हो? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। हम लोग क्या कहेंगे? कहना यही चाहेंगे सर, बाकी जो लोग फंसे वो लोग निकल जाएं सुरक्षित, और कुछ नहीं, बाकी जो वहाँ पे होगा उसका हालत बहुत ख़राब होगा, हम लोग एक ही दो दिन में झेल गए हैं पूरा। विशाल कहाँ से आए हो आप लोग? महाराजगंज। महाराजगंज से कहाँ जा रहे थे आप लोग जी? कहाँ जा रहे थे? दर्शन करने केदारनाथ। कहाँ? केदारनाथ जी। क्या हुआ? रास्ते में हादसा हो गया। कितने बजे की घटना है? करीब 8:30 की बात है। 8:30 क्या हुआ? बह गए थे तुम लोग? पानी का बहाव ज्यादा हो गया था। तो तुम कौन, किसने बचाया तुमको? भगदड़ मच गई थी वहाँ पे कैंप में जी, भगदड़ मचने के बाद सहयोग ले ली, बचा गया। अच्छा, तुम भी बह गए थे? जी बह गए थे, तो किसी साथ मिल गया जी, साथ की वजह से बच गया। कितने लोग थे तुम लोग? हम लोग तो बहुत लंबे थे, लगभग तकरीबन 20-25 लोग थे। और अभी तुम एक साथ कितने आदमी हैं? एक साथ परंट 5 लोग हैं। अरे वो सब सुरक्षित हैं? वो भी सब सुरक्षित हैं। क्या स्थिति है ऊपर की? स्थिति तो अभी गंभीर है। हाँ जी। कैसे गंभीर, क्या बोलेंगे? अरे लोग फंसे हुए हैं वहाँ जी। जी घर वालों को बात हो गई है? जी घर वालों को बात हुई है, घर वाले टेंशन फ्री हो गए हैं। 3-4 दिन वो लोग घर वाले परेशान थे, बातचीत हो गई है, वो लोग फ्री हो गए, माइंड फ्रेश हो गया उन लोग का। प्रशासन की ओर से क्या सामना? नज़ारा तो नज़ारा का क्या किया जाए, जान लीजिए जान बचा का है। क्या क्या हुआ था, क्या कैसा हुआ था वहाँ पे? पानी का बहाव एक बार बहुत तेज़ हो गया था जी, दिमाग नहीं काम कर रहा था, करना क्या है क्या नहीं करना है। आगे पीछे जिस दुकान में तुम खड़े थे? हाँ जी। क्या हुआ वहाँ? जिस दुकान में खड़ा गया था वहाँ की पानी बहुत ज़्यादा हो गया था जी, बाद में सुना गया कि ऊपर चढ़ने के बाद कि वो दुकान बह गई है। अच्छा जी। कितने लोग थे क्या अनुमान लगा? अनुमान तो मान लीजिए जहाँ हम थे वही 40-45 लोग थे। बाप जी, बाकी तो सब सुरक्षित। आप कांवड़ लेके जा रहे थे क्या? नहीं नहीं, सिंपल केवल दर्शन करने। दर्शन करने तो बहुत जगह रास्ता टूटे हुए जी, रास्ते तो बहुत टूटे थे। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। केदार घाटी में 31 जुलाई की काली रात, महाप्रलय की रात। केदार घाटी में महाप्रलय 31 जुलाई को 8 बजे से लेकर 9 बजे रात को मूसलाधार बारिश, आकाशीय बिजली, बादलों की कड़कड़ाहट और केदार घाटी की पूरी ज़मीन थराने बैठ गई। केदार घाटी में लोगों की चीख पुकार निकलने लगी, जो जहां पर था वो वहीं पर थम सा गया। केदारनाथ की पैदल यात्रा पर जाने और आने वाले अपने लिए छिपने के लिए आशियाना ढूंढने लगे। केदारनाथ का वो पगडंडी पैदल मार्ग, केदारनाथ घाटी की वो बड़ी बड़ी पहाड़ी, नीचे मंदाकिनी का शोरगुल, लेकिन बिजली का न होना, पहाड़ी से बोल्डरों का गिरना, मूसलाधार बारिश में आगे कुछ भी न दिखाई देना, ये 31 जुलाई की काली रात का महाप्रलय का दृश्य जिसने देखा वो सहम गया। कुछ समय बाद जब थोड़ी बारिश कम हुई और लोगों को आना जाना सीखना चलाना शुरू हुआ, तो एक दूसरे के सहारे स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन संभला तो दूर दूर से आवाज़ें आने लगी। लोग अपने अपने मोबाइल से मैसेज के जरिए अपनों और अपने परिवार वालों को बताते हैं कि यहाँ पर भयंकर लैंडस्लाइड हो गया है, रास्ते टूट चुके हैं, आवाजाही ठप हो चुकी है, इधर से उधर कहीं नहीं जा सकते। SDRF और पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रुकने के लिए कहा, अनाउंसमेंट किया, लेकिन तब तक काफ़ी हद तक केदार घाटी के पैदल रास्ते, पुल और सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके थे। सोनप्रयाग में आनंद फानन में पार्किंग को खाली कर दिया गया।
करा दिया गया। मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने लगा, पार्किंग तक पानी आ गया। सोनप्रयाग में एक्रो ब्रिज के पास सड़क का एक बड़ा पैच 200 मीटर तक का मधुगंगा में समा गया, तो वहीं मुनकटिया में भी सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, आना जाना ठप हो गया। लैंडस्लाइड लगातार होता रहा। गौरीकुंड में नदी के किनारे बना घोड़ा पड़ाव भी नदी के आगोश में समा गया। गौरीकुंड में पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू कर पहुँचाया। भीमबली के पास बाढ़ से बड़े बड़े फोल्डर मिट्टी और होटल दुकानों से लोग भाग खड़े हुए। यह केदारनाथ का भीमबली मुख्य पड़ाव माना जाता है। अब हम आगे भीमबली और रामबाड़ा की ओर चलते। यहां पर पैदल मार्ग पूर्ण रूप से पहाड़ी से लैंडस्लाइड होने के चलते टूट चुका है और रामबाड़ा जहां पर मंदाकिनी के ऊपर दो पुल बने हुए थे जो 2013 की आपदा में पहले बह चुके थे, वो भी फिर से बनाए गए थे। एक बार फिर से बनाए गए लेकिन वो भी इस आपदा में बह गए, जिससे दोनों ओर की आवाजाही कहें या कनेक्टिविटी टूट चुकी है। अब बड़ी लिंचौली की बात करें तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त मूसलाधार बारिश के कारण या बादल फटने के कारण बड़ी लिंचौली में भी आपदा जैसे हालत थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस की चेक पोस्ट होने के कारण जल्दी मोर्चा संभाल लिया गया। 31 जुलाई की काली रात भर केदार घाटी में हलचल रही। जिला प्रशासन रात भर एक दूसरे के संपर्क में रहा। सुबह होते ही NDRF और तमाम फोर्सों की एजेंसियों ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू अभियान में जुट गई। हेलीकॉप्टर की गूंज से रेस्क्यू किया गया 1700 लोगों का। अभी तक कल तक 3000 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अभी भी 2500 से 3000 के आसपास केदार घाटी में शरदौल स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। आज भी सर्च एंड रेस्क्यू अभियान जारी है। चिनूक MI-17 द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। बादल फट गया, उस वजह से मतलब रोड सारी टूट गई, उसके बाद लोगों को पकड़ा से निकाला रेस्क्यू। तो आपको रास्ते में फोर्स पूरा मिला? हाँ जी, और कोई परेशानी? नहीं नहीं, परेशानी तो होती है लेकिन आप लोगों की बहुत हेल्प है। ठीक है, आगे पानी वाली।